जो फिल्म इंडस्ट्री को क्या आप मुंबई से उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं कि इसी विषय पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर अच्छा ने साफ तौर पर कहा है कि वो राज्य के कारोबार को ले जाने नहीं देंगे और सर इसी से जुड़े जो बॉलीवुड में ड्रग माफिया को लेकर भी बातचीत हुई है इस पर क्या कहेंगे? देखिए कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स होगा कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है, जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के लोग उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के रूप, नई आवश्यकता के रूप, नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझाव के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहां पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। इस दृष्टि फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है, उस संवाद को आगे बढ़ाया है। ना हम लोग किसी के निवेश को छिटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से हम सब का उद्देश्य एक ही है, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के उस प्रयास में हर राज्य अपना अपना योगदान दे रहा है, उत्तर प्रदेश अपना योगदान उस रूप में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और उसी इकोनॉमी के जिससे निवेशकों को आकर्षित करने, ये कोई पिक एंड चूज नहीं है। सरकार ने अपने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई है, उन पॉलिसीज को ध्यान में रखकर के कोई निवेशक निवेश करता है। इसके लिए लैंड बैंक चाहिए, इसके लिए पॉलिसी चाहिए, इसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए, इसके लिए सरकार की नियत भी साफ हो, ये भी बहुत इस पे निर्भर करता है। क्योंकि विश्वास महत्वपूर्ण होता है, सरकार की स्टेबिलिटी भी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें निवेश की संभावनाएं आगे बढ़ती है। इन सभी चीजों को लेकर के सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है और इसलिए मैं आया था तो मैंने कहा म्यूनिसिपल